प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गंगा विलास क्रूज के शुरुआत होने से प्रदेश के पर्यटन को एक नई गति मिलेगी। उन्होंने प्रदेश को इससे बड़ी उपलब्धि मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन परसों 13 तारीख का होगा, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्रूज की रवानगी करके हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे और इस ऐतिहासिक पलों को पूरी दुनिया देखेगी और पर्यटन के क्षेत्र में और जल परिवहन के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक अवसर होगा और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक पल में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने काशी में कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया, जिसके बाद करोड़ों की संख्या में हमारे श्रद्धालु पर्यटकों की वहां बढ़ोतरी हुई और ये दूसरा क्रूज वाला स्वस्थल जो प्रदान कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के विकास में नई कथा व्यथा लिखने के, नई कथा और एक नया अध्याय लिखने के लिए आदरणीय योगी जी को भी मैं बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि रात दिन मेहनत करके उत्तर प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में और विभिन्न विकास के नए आयामों को छूने के लिए रात दिन मेहनत करके सतत रूप से प्रयासरत है। मैं समझता हूं कि ये जो टॉम क्रूज काशी से रवाना हो रहा है, ये 27 नदियों को जोड़ते हुए, 27 नदियों को पूरा करते 50 पर्यटन स्थल को कनेक्ट करेगा और 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इसमें लगभग 32 स्वेस पर्यटक जो होंगे वो यात्रा करेंगे। 5 स्टार की सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है और मैं समझता हूं कि 52 दिनों की यात्रा के बाद ये डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा, जिसमें विभिन्न नदियों को जोड़ने के बाद एक नया पर्यटन को आयाम देने का काम करेगा और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और ये नई शुरुआत, ऐतिहासिक शुरुआत करने के लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद।